नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघराज वर्मा और स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मेघराज के रामबाण टोटके में। जी हां मित्रों, आज का जो हमारा टोटका है उसके बारे में तो आप नीचे टाइटल में या पोस्टर में देखकर समझ ही गए होंगे। जी हां मित्रों, इस टोटके को तो मुझे वैसे नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि मित्रों जुआ खेलना, लाटरी खेलना, सट्टा खेलना बुरी बात है, कानूनन अपराध है। फिर भी मित्रों कई लोगों का हमें कमेंट आ रहा था, हमारे चाहने वालों का बार बार यह पूछा जा रहा था कि हमें जुआ सट्टा लाटरी सट्टा मटका जीतने का कुछ टोटका बताइए। तो मित्रों मैं पहले भी एक टोटका बता चुका हूँ, वह टोटका था जुआ जीतने का। लेकिन आज का जो मेरा यह टोटका है मित्रों, वो जुआ सट्टा लाटरी सट्टा मटका सभी चीज़ों में जीतने का बहुत ही प्रभावशाली और असरदार टोटके हैं मित्रों। जी हाँ मित्रों, फिर भी मित्रों मैं एक बार बोलना चाहूँगा, यह सब बुरी बात है। आप अपने विवेक से अपने बुद्धि से काम करेंगे मित्रों। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए मैं आज का टोटका शुरू करता हूँ। मित्रों हमें आज के टोटके के लिए चाहिए आग का पेड़, आग का पौधा। आग मतलब मित्रों इसे अलग अलग प्रांत में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कई जगह आग बोलते हैं, कहीं पर फुलहड़ बोलते हैं, कहीं पर अंकोला बोलते हैं, और इसके फूल भी कई प्रकार के होते हैं। गुलाबी होता है, नीले रंग का होता है, सफ़ेद का होता है। तो मित्रों हमें लेना है सफ़ेद फूल का आग। जी हाँ मित्रों, ये तो हो गया हमें जिस चीज़ को लेना है वह चीज़। अब करना क्या है मित्रों, यह बता देता हूँ। बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा यह कहा गया है मित्रों कि कोई भी काम शुरू करने से पहले भगवान गणेश का अगर पूजन किया जाए तो वह काम निश्चित ही सफल होता है। जी हाँ मित्रों, ऐसे ही विद्वानों का मानना है कि इस आग के जड़ में भगवान गणेश का वास होता है। जी हाँ मित्रों, अब करना क्या है, महीने के किसी भी शनिवार को शाम के समय, जिस समय आपको कोई देखे ना, आपको काम करते कोई टोके मत, शाम के समय शनिवार के दिन उस आग के जड़ में शुद्ध होकर के पानी डालिए। पानी डालने के बाद में दोनों हाथों को जोड़ करके आप वहां पर निवेदन कीजिए और अपनी मनोकामना वहां पर बोलिए कि मैं जुआ खेलने के लिए यह कार्य संपन्न कर रहा हूं, या लॉटरी खेलने के लिए, या सट्टा मटका के लिए, या जो भी है उसके लिए यह कामना कीजिए। ऐसा मित्रों आपको लगातार 3 शनिवार तक करना है, और 4th शनिवार को शाम को जा करके उस आग के पेड़ में आप पूजा कीजिए। पूजा में धूप दीप दीपक कुछ मीठा और फूल दे सकते हैं। पूजा करने के बाद में आप सच्चे मन से दोनों हाथ जोड़ करके वहाँ पे प्रार्थना कीजिए या बोलिए कि आज मैं आपके मूल को, अपने कार्यों को
सफल करने के लिए लेके जा रहा हूँ। मूल मतलब जड़, उनके जड़ को। ऐसा करके आप उसके जड़ को उखाड़ लीजिए। जड़ को उखाड़ने के बाद आप जब उसे घर लेके जाएंगे, तो घर ले जाते समय उखाड़ने के बाद मित्रों आप पीछे पलटकर मत देखना, और कोई भी आपको ऐसा करते हुए टोके मत, क्योंकि मित्रों अगर कोई टोकता है, अगर आप पीछे पलटकर देखते हैं, तो आपका कार्य सफल नहीं होगा। जी हाँ मित्रों, आप घर लेके आ जाइए, और लाने के बाद में सफ़ेद कपड़े में लपेट करके पूजा का स्थल वहाँ पर रख दीजिए। और जब भी आप जुआ, सट्टा या लॉटरी या सट्टा मटका जो भी खेलने जाते हैं, जब भी जाएंगे तो इसको अपने दाहिने हाथ यानी राइट हैंड में, अगर पॉकेट है, जेब है, तो उसमें रख लीजिए, अगर नहीं है तो भुजा में बांध लीजिए। देखिएगा मित्रों, यह टोटका करने के बाद आपको आपके काम में निश्चित ही विजय मिलेगा। जी हाँ मित्रों, यह अंधविश्वास नहीं है, ये कईयों बार आजमाया हुआ टोटका है। हाँ मित्रों, अगर आप अपने कार्य में सफल होते हैं मित्रों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हमारे और कई मित्र हैं जो जुआ खेल करके, सट्टा खेल करके, लॉटरी खेल करके हताश हो चुके हैं, हार गए हैं, उनका भी कुछ लाभ हो जाए। तो मित्रों, अगर मेरा यह टोटका आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और मित्रों, आप अगर चाहते हैं कि आपकी समस्याओं का मैं ऐसे ही छोटे छोटे टोटके बता करके समाधान करते रहूं, तो मित्रों आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपका प्यार सीधे मुझ तक पहुंचता रहे। तब तक के लिए मित्रों, आप लोग जहां भी रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई रखिए, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।